आठवें अध्याय में पेज नंबर 268 आठवां अधिकार उद्देश्य का स्वरूप चार अंगों की इसमें चर्चा है। निकाला तो प्रथमा नियम की परिभाषा अपन ने डिस्कस की थी, उसके बाद में करना नियम की परिभाषा भी चर्चा की थी। करना नियम की क्या परिभाषा है, करना नियम किन किन बातों का वर्णन है, भू स्थान जीवों की खोज मार्गना और पिंडों का, गुणस्थान मारणा आदि रूप जीव का, कर्मों का, तीन लोग का जिसमें निरूपण हो करना नियोग, तीन बातों का निरूपण है। करना नियोग का ग्रंथ मतलब करना नियोग में किन बातों का निरूपण होगा, इन तीन बातों का निरूपण, गुणस्थान मारणा स्थान का और गुणस्थान मारणा स्थान आदि रूप जीव का, मतलब जीवों के भेद प्रभेद कर्म व्यापार है ना, कर्म तो जीव के भेद प्रभेद रूप जीव के संसार अवस्था में उसको क्लासिफाई करना, उसका विभाग करना, चार गतियों में जीव पाया जाता है, पांच इंद्रियों में पाया जाता है, चार कषायों में पाया जाता है। तो ये जो जीवों के विभाग किए जाते हैं समझने के लिए अथवा तो जिनमें जीवों की खोज की जाती है वे सब मारणा स्थान कहलाते हैं। तो इन मारणाओं से जीवों को समझने में मदद मिलती है, गुणस्थान से जीव को समझने में मदद मिलती है, गुणस्थान से मोक्ष मार्ग समझ में आता है। तो ये जो गुणस्थान मारना स्थान रूप जो जीव के भेद ये सब करना के अंदर चौबीस ठाणा ऐसा है कि 20 प्ररूपणाएं होती है, उसमें चार गुण मिला लो तो 24 हो जाती है, और वो 20 जो है उसमें 14 तो है मारगणा है और एक एक गुणस्थान, एक जीव समास, एक पर्याप्ति, एक प्राण, एक संज्ञा और एक उपयोग, इससे 14 मारगणा स्थान और 6 ये 14 और 6 20, फिर उन 20 में दो चार गुण मिला लो कुल योनि ध्यान और अवगाना इसे कुछ एक हो, जैसे चार रूप मिला तो 24 ठाणा हो जाता है। 24 ठाणा इसी के विषय करना नहीं होगा, इन तीन बातों का निरूपण है। अब देखो तीसरी परिभाषा किसकी है, चरणानियोग की क्या परिभाषा है, जिसमें गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का विधान, जिसमें गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का निरूपण हो, उसका नाम क्या है, चरणानियोग। मतलब चरणानियोग में बताया जाएगा कि गृहस्थ को धर्म आचरण कैसा करना चाहिए और मुनिराज को धर्म कैसा आचरण करना चाहिए, मतलब गृहस्थ और मुनि के योग्य धर्म आचरण का निरूपण चरणानियोग करता है, उसका नाम ही चरण माने आचरण, आचरण की मुख्यता से वर्णन करता है। तो यही वह नियोग है जिसमें सारी क्रियाओं का, सारी चीज़ों का वर्णन है, सारी क्रियाओं का, अपने गृहस्थ के आवश्यक कार्यों का, इन सब बातों का निरूपण चरणानियोग करता है, कैसे खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, है ना, ये सब बातें ये चरणानियोग, हर हर क्रिया का, कोई भी क्रिया करे तो कैसे करे, ऐसे इन सब के मूल में एक ही बात है, जो भी करे वो जीव रक्षा पूर्वक करे, देख के करे, चले तो देख के, खाएं तो देख के, हर कार्य देख के करे, यत्नाचार से यत्न पूर्वक आचरण करना, अने जीव हिंसा को टाल कर कोई भी काम करना, ऐसी प्रमाद रूप प्रवृत्ति ना हो जिसमें हमें जीव हिंसा का भी ध्यान न रहे, जीव रक्षा का भी ध्यान, एक गृहस्थ मुनि के आचरण का निरूपण करता है। अब इसमें क्या है, ये भी बहुत महान अनियोग है वैसे, और लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हम मतलब हम जो आचरण पालते हैं वो इसके हिसाब से नहीं पालते, हम अपनी बुद्धि बुद्धि अनुसार पालते हैं। मान ये दिक्कत है सबसे बड़ी कि हम
चारित्र भी अपनी मर्जी से पालना चाहते हैं। चरणानियों क्या कहता है इसकी हमको खबर नहीं है। चरणानियों के ग्रंथों का भी हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो जो लोग के अंदर जो चरणानियों चलता है कोई हमारा चरणानियों, और फिर उसमें ये होता है कि कोई क्रिया तो अति ऊंची पालते हैं और कोई क्रिया एकदम हीन पालते हैं, ऐसा होता है। ये सब इसी का नतीजा है, क्योंकि ये सब बिना बुक के जो काम होएगा वो वैसे ही होएगा। एक मैकेनिक, एक 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 कंपाउंडर और एक डॉक्टर में जो अंतर होता है वो एक बिना आगम के अभ्यासी में और एक आगम अभ्यासी में होता है, क्योंकि देख देख के यदि सीख जाते होते हैं तो फिर 5 साल की पढ़ाई की जरूरत क्या पड़ती। ऐसे चढ़ना नहीं होगी, हम देख के सीख लेते धर्म भी क्या करना चाहिए, सब मालूम तो है अपने क्या करना चाहिए। 10 दिनों में उपवास करना चाहिए, अष्टांग में एकासना करना चाहिए, दीपावली पे मिठाई खाना चाहिए और माँ पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष पे सप्तमी पे उपवास करना चाहिए, अक्षय तृतीया पे गन्ने का रस पीना चाहिए, रक्षाबंधन पे और एक दूसरे को राखी बांध के पैसे का आदान प्रदान करना चाहिए। सब मालूम क्या करना चाहिए, धर्म के नाम क्या बता रहे थे, फिर धर्म में पढ़ने की क्या जरूरत है, सब तो मालूम है हमको क्या। तो वो ये वो ऐसी स्थिति हो जैसे कंपाउंडर की, जरूरत क्या है, क्या एक आदमी बोलता ऊपर इतना फोरकास्ट की जरूरत क्या है, मैं भी बताता हूँ देखो अभी थोड़े दिनों में पानी आने वाला है, जबरदस्ती इतने सारे सेटेलाइट लगा रखे हैं, तो वही तेरा सेटेलाइट और तेरी बुद्धि और सेटेलाइट में बड़ा अंतर है, समझ में आएगी नहीं बात। ऐसी बात क्या है कि ये जो आगम के अभ्यास बिना हम जो अपनी बुद्धि अनुसार आचरण पालते हैं ये सब ऐसा ही है, और आगम के अनुसार क्या जो भी चीज़ है तो वो सब व्यवस्थित और क्रमिक होगा और अपने आनंद के लिए होगा। तो इसमें सब निरूपण किया है, पहले पढ़ करने के पहले उसको पढ़ा सही, करने की इतनी जल्दी मत करो कि मैं तो चीरा फाड़ी लगा के देखता हूँ आदमी बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो ठीक है, चीरा फाड़ लगा लेगा लेकिन उसकी तो जान चली जाएगी। क्या तेरे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ये कोई जानवर तो ही नहीं आदमी है, तो इसलिए पहले तेरे को पूरी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा अंग होता है और उस चीरा फाड़ के अंदर क्या होगा, समझ में आया ना। ऐसे जिनवाणी का अच्छे से अभ्यास करना होगा तुम्हें, इसी गई देखो इसके ग्रंथ के नाम बताता हूँ मैं आपको थोड़ा। रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, ज्ञानन श्रावकाचार, ये तीन हो गए। रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, ज्ञानन श्रावकाचार, और आपको लिखने हो तो ज्ञानार्णव, भगवती आराधना। अब इसमें कुछ ग्रंथ तो श्रावकों के आचरण पे बेस से बिल्कुल प्योर श्रावकों, जैसे आपका रत्न ग्रंथ श्रावकाचार्य श्रावकों के आचरण का निरूपण करता है, पुरुषार्थ सिद्धि पाए श्रावकों के आचरण, तीसरा कौन सा था ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, जैसे वसुनंदी श्रावकाचार्य, अमित गति श्रावकाचार्य, ये सब श्रावकों के आचरण का निरूपण, और आपका ये ज्ञानार्णव ये भी लगभग इसमें दोनों का वर्णन श्रावक मिला, इसमें सामान्य वैराग्य प्ररूपण है, पद्मनंदी पंचमुष्टी का उसमें भी श्रावकों के आचरण की मुख्यता। ये जो अनुव्रत ग्रहण करते जब से ये कार्य होता है तो ये प्रारंभिक भूमिका से जब इसमें आता हुआ ना वर्णन। देखो अनुव्रत तो क्या है, सामान्य जीवन ही होना चाहिए। एक तो अनुव्रत ऐसा होता है जो प्रतिज्ञा रूप होता है, एक सम्यक्त के 7 अनुव्रत होते हैं और एक सम्यक्त के पूर्व होते हैं, तो सम्यक्त के 7 होते हैं वो तो सच्चे होते हैं, वो तो पंचम गुण स्थान पृथ्वी होते हैं, लेकिन सम्यक्त के पूर्व जो अनुव्रत होते हैं तो वो जीव को पाप से बचाते हैं, इतना उपकार करते हैं। सबसे बड़ा उपकार उसका यह कि जीव उन 5 पापों से बचता है, उसका लौकिक जीवन सुखद बनता है और धर्म मार्ग में आगे बढ़ने में उसको मदद मिलती है, ये उसका लाभ वो साधन के रूप में। वो स्वयं अनुव्रत होने पर वो कोई खुद धर्म नहीं हो गया है, लेकिन वो धर्म का साधन है, समझ नहीं बात। वो तो अवृत सम्यक दृष्टि के तो कोई व्रत है ही नहीं, लेकिन अनुव्रत जैसे किसी ने सम्यक के बिना भी धारण किए तो वो उसको सम्यक को धारण मतलब उसको धर्म धारण करने में उसके लिए सहायक, क्योंकि क्या है कि भाई अनुव्रत नहीं धारण करने का मतलब क्या है, पाप करना, तो पाप करना तो बहुत ही बुरा है ना, इसलिए पाप तो जितना छूटे उतना अच्छा है। तो इन सब में वर्णन है, और अनुव्रत के अलावा भी वर्णन है, अनुव्रत के अलावा भी जैसे एक
पाक्षिक श्रावक भी होता है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। तीन प्रकार के श्रावक होते हैं, एक तो होता है पाक्षिक, एक होता है निष्ठिक और एक होता है साधक। तीन प्रकार के श्रावक है, पाक्षिक, निष्ठिक और साधक। पाक्षिक कौन होता है? पाक्षिक माने जो ज्यादा विशेष नहीं समझता, तो इतना है कि उसको जैन धर्म का पक्ष है, मैं जैनी हूँ बस। उसको यदि आप बोल दो इतना कि जैन धर्म में लिखा है, जैन धर्म के हिसाब से गलत है, हाँ ठीक है फिर निकल, हम जैनी इसलिए निकलते हैं। अब वो क्यों है क्या है वो सब मतलब नहीं है, जैनी है ना पक्ष जैन धर्म का, जैन धर्म का पक्ष भी है और पक्ष के हिसाब से भी उसमें कई चीज़ें, वो कई चीज़ों का त्याग करता है। जैनी लोग ये काम नहीं करते, जैनी लोग ये काम नहीं करते। जैन हूँ इसलिए मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, मैं जैन हूँ इसलिए मेरे को अंचना जल नहीं पीना चाहिए, मैं जैन हूँ इस हिसाब से मेरे को जमीकंद नहीं खाना चाहिए, प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए। तो जो पक्ष से जैन धर्म के जिसको पक्ष है उसका जो आचरण है पाक्षिक श्रावक का, उसमें अनुव्रत अनुव्रत नहीं, उसमें तो सामान्य जैनाचार जो जो लोग पालते हैं, सामान्य जैनाचार मैंने जैनियों के योग्य जो आचरण होना चाहिए वो मध्य मास मधु नहीं करना है। दूसरा होता निष्ठिक, निष्ठिक मैंने जिसको जैन धर्म में निष्ठा श्रद्धा है, जैन धर्म बराबर समझता है, उसको जैन धर्म का सच्चा स्वरूप पता है, सम्यक दर्शन भी हो सकता है उसको हो, और बराबर उसको वस्तु स्वरूप का अच्छा गहराई से श्रद्धान तत्व का श्रद्धान, तत्व श्रद्धान पूर्वक उसने व्रतादि के आचरण को अपने जीवन में अंगीकार किया है, अनुव्रत आदि को, तो वो कौन होता है निष्ठिक श्रावक, उन्हें उसकी निष्ठा भी है। ओके, ऐसा नहीं कि बस जैन धर्म में लिखा है इसलिए मैं जैन हूँ इसलिए, नहीं नहीं ये जैन है हूँ इससे ही नहीं, ये जो कार्य है ये मेरे हित के लिए है, कल्याणकारी है, इससे मेरा ही भला है और इसमें ये इस प्रकार से मुझे योग्य लगता है, भले ये जैन में नहीं भी होता तो भी मतलब ये सही काम है, ये काम बिल्कुल सही है। जैसे कोई जैन कुल में ना भी उत्पन्न हो लेकिन वो अपनी बुद्धि से उसने उसको ग्रहण किया कि भाई ये काम बिल्कुल ठीक है, निष्ठा है उसकी उस चीज़ में करने में, तो निष्ठिक श्रावक श्रद्धावान। और तीसरा है साधक, साधक माने होते हैं जो कि मुनि धर्म की साधना करते हैं, माने मुनि धर्म का अभ्यास रूप छुल्ला गेला तो साधक श्रावक कहलाते हैं, या प्रतिमाधारी उत्कृष्ट, या प्रतिमाधारी जितने भी है, प्रतिमाधारी माने साधक है, काय के साधक है, मुनि धर्म के साधक है, इसलिए वो साधक में जाएंगे। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, पाक्षिक सबसे पीछे, मतलब पाक्षिक श्रावक जितना आचरण का जैनी मात्र को होने चाहिए, ये तुम्हें मानते हो अपने आप को कि हम जैन हैं, तो कि पक्ष ना तुम्हें जैन धर्म की है, और नैष्ठिक माने तुम्हें श्रद्धा है, तुम्हें ज्ञान है, तो ये इस योग्य आचरण होना चाहिए, और साधक माने और आगे बढ़ चुके हैं, अब वो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं, वो साधक श्रावक है। तो इन तीनों का वर्णन है, माने ए बी सी डी वाले का भी है, बिल्कुल बेसिक वाले का, माने जैन धर्म में इतनी मानता है कि जैन धर्म में जो भी निरूपण होता है बिल्कुल ए बी सी डी से होता है। अब देखना ये रत्नकरण श्रावकाचार्य में जो अनुव्रत का भी निरूपण करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से, बेसिक एकदम, मतलब वो ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने सब तरह के लोग बैठे हैं, जैनी भी बैठे हैं, अजैनी भी बैठे हैं, सब भील भी बैठा हो सकता है, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसका काम ही हो क्या, मतलब काम ही उसका मध्य मास मधु का हो काम, तो वो उसके हिसाब, मतलब उसको भी दिमाग में रख के वर्णन करते, मैंने जन सामान्य के हिसाब से लिखे गए, एक भी ग्रंथ जो है वो जैनियों के हिसाब से नहीं लिखे। आप पढ़ना अपने सारे ग्रंथ जो है प्राणी मात्र की दृष्टि को, प्राणी मात्र को लक्ष्य में रख के लिखे गए। ये बात अलग है कि आज उसको सांप्रदायिक दृष्टि से अपन जैनी पढ़ते हैं, अन्य लोग कहते हैं हमारे ग्रंथ नहीं है, लेकिन वो उनमें उनका जो विषय वस्तु है उसका वर्णन इतनी बढ़िया से है कि कोई प्राणी मात्र कोई भी दूसरा धर्म का भी पढ़े, ऐसे बुक भी पढ़े तो उसको समझ में भी आ जाए, इस तरह से लिखे गए। क्या मैंने केवल किसी पंथ की या किसी इसकी बपोती नहीं हो, वास्तव में प्राणी मात्र की दृष्टि से, जन सामान्य की दृष्टि से और जन सामान्य को समझ में आ जाए, वो उसका आचरण कर सके, इस रूप से निरूपण किया। ऐसा एकदम लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगता है लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से बात। अब उसमें बिल्कुल बेसिक से तो वहाँ से चालू करते हैं, कहाँ से, मध्य मास मधु त्याग, पंचदम्बर फलों का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, नहीं यहाँ से, हो सकता है ये भी सेवन करता, वो वहाँ से नहीं करते, कहाँ से,
रात्रि भोजन त्याग जमी का त्याग। पहले अष्टमूल गुणों का वर्णन करेंगे, अष्टमूल गुणों में तीन मकार का त्याग कराएंगे, पांच नंबर फलों का त्याग कराएंगे अथवा पांच और अन्य मूल गुणों का वर्णन करेंगे। लेकिन करेंगे बिल्कुल बेसिक्स, सीधे वो एकदम सीधे जंप नहीं मारते, पहले ये है पक्का, फिर ये ऐसे करते। जैसे प्रतिमा का आचरण भी होगा क्रम क्रम से, पहली प्रतिमा परिपक्व है फिर वो दूसरी प्रतिमा। आपने बोला बाह्य क्रियाकरण व्यवहार से धर्म में लगाना, बाह्य किस में चढ़ना, बाह्य आचरण द्वारा धर्म में लगाना कहाँ लिखा है? बाह्य क्रियाकरण, हाँ ये भाई आचरण का वर्णन करता है ना, अभी आएगा अपना, अभी आएगा देखो फिर। हाँ धर्म में लगाने का प्रयोजन है उसका जीव को भाई आचरण द्वारा क्रियाओं द्वारा। तो ये सब इसमें हर चीज का निरूपण है, जैसे गृहस्थ के आवश्यक जो षट कार्य है, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान कैसा होना चाहिए, ये जो मुनि दीक्षा का पता रहता है, ये एक एक चरण से ऊपर बढ़ता जाता है प्रतिमा के साथ। यहाँ जब परिपक्वता आती है बाद में मुनि दीक्षा होती है। हाँ। तो आपने जैसे प्रतिमानी होकर अपन ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर ऐसे दृष्टांत आते हैं कि वो महाराज थे और सीधे उन्होंने कपड़े उतारे और महाराज बन गए। हाँ तो वो क्या एक्चुअली प्रतिमानी होंगे इतनी डिटेल वर्णन भी नहीं करता, एक तो कि वो एक एक चीज का करे, दूसरी बात ये कि पूर्व में जीवों का इतना सहन था कि वो इस प्रकार से धारण करने में दिक्कत नहीं हो रही, मैंने देह की सामर्थ्य इतनी अलौकिक थी, इतनी वीतरागता भी थी, वैरागी भी थे, जीव के परिणाम भी निर्मल थे, और अब वो बात नहीं है ना। हाँ और उस काल में भी जिनकी भी सामर्थ्य होती थी, प्रतिमा लोग भी आचरण आचरते थे ना, 11 प्रतिमा है तो उस समय भी आचरते, उस समय भी अपने उसमें आता है समोषण के अंदर इतने जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इतने ने धारण किए, इतने ने महावर धारण किसकी जैसी भूमिका हो। देखो जो महापुरुष जीव होते हैं ना वो कभी अनुव्रत नहीं आचरते, सीधे महाव्रत का आचरण आचरते, तीर्थंकर कभी अनुव्रत नहीं धारण करते, तीर्थंकर सीधे महाव्रती होते हैं। पुरुषार्थ परिणामों की इतनी पुरुषार्थ की अद्भुत, और ये अभी मतलब अपन जो भी है आजकल जो भी सब कुछ ये तो इतने पुरुषार्थी कोई नहीं, महापुरुष थे ना वो, तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण पति नारायण बलभद्र नारायण पति नारायण तो फिर मुनि बनते ही नहीं, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र, तो ये अलौकिक पुरुषार्थ, कर्म में जाए तो कर्म में अलौकिक काम करे, धर्म में जाए तो धर्म करे, इनके परिणामों की सामर्थ्य कोई अलौकिक थी, सहनन कोई अलौकिक था, एक क्षण पहले लड़े और एक क्षण बाद मुनि दीक्षा लेके जंगल चले जाए और 6 दिन कुछ दिनों में केवल ज्ञान प्राप्त करें, नेमिनाथ भगवान भी 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त करें, मल्लीनाथ भगवान ने 56 दिन में। अब 56 दिन मतलब कोई आदमी देखे कि इधर तो एक तरफ शादी हो रही थी, 2 महीने बाद केवल ज्ञान, मल्लीनाथ भगवान की सगाई हुई, उनका भी विवाह होने वाला था, 6 दिन के अंदर अंदर केवल, ये कोई आज आप कल्पना कर सकते ऐसा किसी केवल ज्ञान छोड़ा तो थोड़ा मन ध्यान ही हो जाए बहुत, तो इतनी इनकी सामर्थ्य रहती थी अलौकिक, वज्रषभ नारा सनन था वो सब बात, तो इसलिए वो सब बातें हैं। बाकी वो तो मोक्ष खासकर जो बाह्य आचरण है वो क्रम क्रम से धारण करने में, उससे अपने परिणामों में पंचमात्र भी दुख नहीं होता, खेद नहीं होता किसी प्रकार का, और बल्कि आनंद से मोक्ष पार की यात्रा आगे बढ़ती, क्लेश नहीं होता, कोई अपने को उसका पश्चाताप नहीं होना लगता है, तो ये अचानक कोई करेगा तो पश्चाताप कारण बन सकता है। हाँ और फिर वो क्या है कि लोक में भी जो है ना जैसे प्रमोशन होता है तो पहले कि नीचे की पोस्ट पूरी पक्की हो गई, पक्का काम हो गया तो वो होता है, तो वो आदमी जो नीचे से आता है तो बराबर ठोस रहता है बिल्कुल, कोई किसी प्रकार की उसमें कोई वो नहीं हो सकती क्योंकि वो उस चीज को पालन किया। ऐसे इसमें चलो चलो अभी तो अपनी यहाँ तो करना नहीं चढ़ना नहीं हुआ, फिर उसके बाद में द्रव्य नियम किन बातों का वर्णन है, 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ सब पर भेद विज्ञान
छह द्रव्य सात तत्व का और सफल भेद ज्ञान आदि था जिसमें निरूपण हो बदल गया। ये चार अनियोग की परिभाषा होती थी, याद हो गई एक इसको याद नहीं बताओ चारों अनियोग। चलो अंकित जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बताओ थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा, ये से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे बताओ। चरणा नियम किसका वर्णन है? बस धर्म आचरण करने का निरूपण ये हो गया, बस हो तो गया। ऐसे करणा नियम किसका निरूपण है? आप लोगों को तो याद है अच्छे से, आप लोगों से मैं आखिरी पूछता हूँ, करणा नियम किसका निरूपण बताओ सोलह। गुणस्थान मार रहा हूँ जीव का, जीव का कर्म का और तीन लोग ये कर्म का हो गया, ते कर्म करना नहीं होगा। और द्रव्यानियों में बस इनका निवेदन है, बस सरल चीज है अपने को, ये इससे ये समझ में आता है कि कौन से नियोग का शास्त्र है और आप खुद निकाल सकते हो, मतलब क्या कि भाई किस किस में कौन कौन से अनियोग में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। अपने को एक बार टॉपिक पता चल जाए तो अपन कोई भी ग्रंथ निकाल सकते हैं कि कौन से अनियोग का शास्त्र। इसमें तीन अनियोग की मुख्यता से, इसमें चरणानियोग भी है, इसमें द्रव्यानियोग भी है, इसमें कर्णानियोग। कोई कोई ग्रंथ जो है वो दो दो अनियोग की मुख्यता लिए हुए होता, जैसे अपना तत्वार सूत्र ही उसमें सब है तीन तीन अनियोग, इसमें दो भी नहीं तीन अनियोग, पहला से चौथा अध्याय, पहला से चौथे अध्याय में द्रव्यानियोग भी है, कर्णानियोग भी है, पांचवा प्योर द्रव्यानियोग है, छठा सातवा चरणानियोग है, आठवा कर्णानियोग है, नौवा चरणानियोग है, दसवा कर्णानियोग है, सब अनियोग है उसमें। कोई ग्रंथ प्योर एक अनियोग की मुख्यता से होते हैं और कोई ग्रंथ में दो अनियोग की मुख्यता से, कोई में तीन अनियोग की मुख्यता से। चारों अनियोग की मुख्यता वाले ग्रंथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रथमानियोग जहाँ आ गया तो वो फिर कहानी चलेगी तो कहानी की मुख्यता रहेगी उसमें, फिर वो दो तीन अनियोग की मिक्सचर नहीं हो पाएगा। जो सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं उनमें दो तीन अनियोग आप आ सकते हैं, कभी चरणानियोग के कर्णानियोग के द्रव्यानियोग, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर के हिसाब से, लेकिन प्रथमानियोग के ग्रंथों में मिलना थोड़ा कठिन, क्योंकि मुख्यता तो प्रथमानियोग की है ना, उसमें प्रथमानियोग होता है प्योर प्रथमानियोग। बाकी ये है कि चरणानियोग कर्णानियोग द्रव्यानियोग इन तीन अनियोग के मिले हुए शास्त्र कई है, ठीक है। मूलाचार, मूलाचार में मुनिराज के आचरण का निरूपण, मुनिराज मूलाचार अनगार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत में मुनिराज के आचरण का निरूपण, भगवती आराधना में संलेखना का वर्णन, मुनिराज की संलेखना कैसी होती है ये हुआ, और वैराग्य की भावना का निरूपण है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा द्वादश अनुवेक्षा, जो बारह भावनाओं का इसमें निरूपण है। तो ये बारह भावनाओं के ग्रंथ है स्पेसिफिक, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा उसमें बारह भावनाओं का ही वर्णन है, द्वादश अनुवेक्षा कुंदकुंदाचार्य रचित एक द्वादश अनुवेक्षा ग्रंथ है, बारह भावनाओं, बारह भावनाओं की चरणानियों में जाए वैराग्य का वर्णन। चरणानियों में केवल बाह्य क्रिया ही नहीं है, चरणानियों के भी दो पार्ट है, एक में क्रियाओं की प्रधानता है और एक में परिणामों की प्रधानता है। क्रियाओं का निरूपण तो उसके लिए जो परिणाम नहीं समझ पाता, वो तो सेकेंडरी ग्रेड का स्टूडेंट जो है जिसको ये परिणामों की पहचान होना मुश्किल है, उसके लिए क्रियाओं की मुख्यता से उपदेश करते हैं ताकि वो भी कुछ धर्म में लगे। बाकी जो परिणाम समझ सकते हैं उनको परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं। तो परिणामों की मुख्यता वैराग्य पर निरूपण होता है, उसमें जीवों को वैराग्य उत्पन्न हो संसार शरीर भोगों से, वो कुछ करता हुआ नहीं दिखे लेकिन अंदर में वैराग्य रहेगा, और वो क्रियाओं में तो वो कुछ भी कर भी रहा हो लेकिन उसके वैराग्य की राग है कुछ पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक्टिविटी में कुछ पता नहीं चलता कि इसके अंदर में क्या है। इन परिणामों की तरफ तो सीधा चोट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये परिणाम में है यदि इसके, तो क्रिया तो धीरे धीरे सुधरे बिना रहेगी, क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरने का नियम नहीं है, परिणाम सुधरने पे क्रिया सुधरने का नहीं है, इसमें लिखा है सब। इसमें क्या लिखा है प्रैक्टिकली लिखते हैं चार साल कांड स्विच करते हैं,
सालों का चार चार समय साल पूरी। हाँ देखो क्या है आचार माने जो आचरण का निरूपण करें तो आचरण प्रधान ग्रंथ में सब में आचार लगेगा। शाव का चार अमित जैसे रत्नकरण शाव का चार ज्ञानानंद शाव का चार अमित गति शाव का चार वसुनंदी शाव का चार अथवा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और क्या बताया था अपने ज्ञानार्णव ये सब अगर ये सब शावकों की मुख्यता से मुनिराज की मुख्यता के जो ग्रंथ है वो देखो मूलाचार नंबर एक सबसे पहला ग्रंथ यदि मुनिराज के आचरण का कोई है मिलता है अपने को तो मूलाचार। मूलाचार में मुनिराज के 28 गुणों का वर्णन है और भी जो षटावशकों का वर्णन है मूलाचार। मूलाचार के अलावा अंगार धर्मावृत उसमें मुनिराज के आचरण की मुख्यता से वर्णन भगवती आराधना मुनिराज की संलेखना का वर्णन है संलेखना कैसी होती है ज्ञानार्णव में कुछ मुनिराज के आचरण की वर्णन है। एक है पद्मनंदी पंचवीर्षी का वो श्रावकों के आचरण पूछ लिया या मुनिराज का भी थोड़ा मुनिराज के लिए कार्यकारी ऐसे ग्रंथ नहीं अंगार धर्मावृत वगैरह भी अच्छे बढ़िया मतलब उससे क्या होता है कि गुरु का अपने को जब बनना है या अपने को गुरु का स्वरूप तो ख्याल रहना चाहिए कैसा होना चाहिए उसके लिए भाई गुरु का मूल स्वरूप कैसा होता है और हम गुरु बने तो कैसे बने उसके लिए वो उसमें बहुत वैराग्य का वर्णन है। अंगार धर्मावृत तो इतना जोरदार है जैसे उसमें परिग्रह का त्याग का वर्णन है तो उसके खूब पन्नों में वर्णन दिया तो परिग्रह का इतना बढ़िया स्वरूप लिखा है कि वैसा स्वरूप मेरे को किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिला इतना जोरदार एक एक परिग्रह के ऊपर खूब खूब वर्णन है सचेतन अचेतन स्त्री के बारे में पुत्र के बारे में मकान के बारे में परिवार के बारे में सबके बारे में क्योंकि उस परिग्रह का अंत में परिग्रह से विरक्ति उत्पन्न करेगी उसमें ये नहीं कहा तो छोड़ वो तो बात ही नहीं करते वो इस तरह से वो इनके वर्णन बड़े अलौकिक शैली से होते हैं उस परिग्रह की क्या अवस्था है उसका वर्णन अनगार धर्मामृत एक्सीलेंट ग्रंथ एक बार नहीं 10 बार पढ़ो हिंदी में अनुवाद उसका संस्कृत तो उसकी कठिन है हिंदी अनुवाद है उसका हिंदी में पूरा अनुवादित है वो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन किया हुआ फूलचंद कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन एक्सीलेंट हिंदी समझ में आ जाए आप लोग को इसकी कठिन अनगार धन्यवाद भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा है उसका और अच्छा बढ़िया कवर और सब मतलब उसका क्वालिटी प्रकाशन है एकदम ISBN नंबर वगैरह सही से वो ग्रंथ बहुत अच्छी मतलब वो बहुत प्रामाणिक बहुत साहित्य की दृष्टि से भी बहुत अद्भुत ग्रंथ है वो मतलब अच्छे अच्छे लिटरेचर वाले लोग उसको पसंद करते हैं अनगार धन्यवाद फुल कैलाश जी शास्त्री का आप तो भारतीय ज्ञानपीठ के लिटरेचर में देख लेना अनगार धन्यवाद अनगार माने जिन्होंने घर छोड़ दिया है उनके आचरण का निरूपण है और मूलाचार में भी मुनिराज के आचरण का निरूपण और भगवती आराधना में संलेखना का वर्णन ऐसे सब ग्रंथ करना नहीं चढ़ना नहीं अष्टपावर में बिल्कुल डायरेक्ट अष्टपावर में चढ़ना नहीं का शास्त्र आत्मानुशासन है एक और भूल गया मैं आत्मानुशासन ये भी शावकों के लिए बहुत बढ़िया ग्रंथ है गुणभद्र आचार्य का है आत्मानुशासन ये शावकों की मुख्यता से वैराग्य का वर्णन है जैसे मुनिराज जो शावकों के लिए लिखे गए हैं तो मुनिराज के लिए तो उसमें कुछ मिल ही जाएगा क्योंकि तो वैराग्य का वर्णन जो भी होगा उनके लिए भी कार्यकारी है ना कौन सा ग्रंथ बताया आत्मानुशासन ये सब ग्रंथ है अष्टपौर में हे तो चरणा नियम तो चरणा नियम मिश्रित अध्यात्म हो प्योर चरणा नियम नहीं कह सकते अपन उसको चरणा नियम प्लस द्रव्या नियम ऐसा तो सब बहुत कड़क शैली में वर्णन है उसके अंदर कड़क शैली में मुनिराज के डिसिप्लिन का वर्णन कैसा होना चाहिए बिल्कुल जो अपन गाथाएं पढ़ रहे थे ना कि यदि मुनिराज तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखे तो उसका फल निगोद है वो सब उसी में ही है वो सब इतनी कड़क अष्टभाव किंतु कुंदाचार देव द्वारा रचित है ये हो गए अब देखो करना नियोग के कौन कौन से बताए थे चरणा नियोग के तो बहुत हो गए आपने लिख लिए ना नाम सब घूमट साहब अच्छा करना नियोग के देखो करना नियोग का भी मटेरियल मतलब ग्रंथ कम है नाम बहुत ज्यादा नाम नहीं गोमट सार जीव कांड गोमट सार कर्म कांड त्रिलोक सार
क्योंकि ये तीन भी आपने पढ़ लिए बहुत, बाकी यदि और पढ़ना है लंबा और यदि शास्त्रों के नाम सुनने हो तो सुन लो। और नाम है जैसे आपके सबसे बड़ा तो षटखंडागम, षटखंडागम की टीकाएं धौला महाधौला ये सब पढ़ना है, और कषाय प्रावृत, कषाय प्रावृत के ऊपर चूर्णी सूत्र, चूर्णी सूत्र के ऊपर जय धौला, ये तीन तीन चीजें कषाय प्रावृत चूर्णी सूत्र और जय धौला, ये तीनों सब प्रणाली होंगे। और फिर आपके लब्धि सार, छपड़ा सार, तिलोय पण्णति नाम दिए इसमें लब्धि सार छपड़ा सार के, तो तिलोय पण्णति और पंच संग्रह ये सब पढ़ना नहीं, 24 ठाणा फिर तो फिर उसके आधार से बनेंगे। लेकिन आप लोग तो तीन भी पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड और त्रिलोक सार, तीन आपके लिए सिलेबस बहुत है। क्या चीज समझाएगी कब? सुभाषित नीति शास्त्र, नीति शास्त्र ऐसा करना चाहिए, आदमियों को इस तरह से रहना चाहिए, हर आदमी को एक दूसरे को सताना नहीं चाहिए, क्या परस्पर में चोरी का व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक के तुम दूसरों के धन की चोरी करोगे खुद के भी धन की चोरी होएगी, तुम दूसरों से झूठ बोलोगे तुम्हारे से भी कोई झूठ बोले, जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही दूसरों के साथ करो, जैसे चरणा नियम, तो चरणा नियम नीति का शास्त्र, इथिक्स, हाउ टू लिव इन सोसाइटी प्रॉपरली, न्याय नीति की चीजें सिखाता है चरणा नियम। जैसे जिसको सिविक्स पढ़ना हो, सिविक्स के अंदर जिसकी मास्टरी है उसके लिए अपन कहेंगे चरणा नियम तेरे को रुचिकर होगा, जिसकी मैथ्स में रुचि है बहुत चरणा नियम रुचिकर, जैसे कथा साहित्य लिटरेचर का स्टूडेंट है प्रथमा नियम, और बहुत एडवोकेट गिरी आती है तद्रव्या नियम, एडवोकेट तर्क हर बात में तर्क न्याय न्याय द्रव्या, द्रव्या नियम में जो है द्रव्या नियम का हर कथन न्याय की मुख्यता से होता है, ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए, तर्क शास्त्र भरा होता है क्योंकि उसमें अनुभव कराने की मुख्यता है, जीव को अनुभव कराना है, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कराना है, तो देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कराना तो वो उसके तर्क से उसकी गले उतारनी पड़ेगी बात, ये तो अनुभव नहीं करेगा, जो चीज अनुभव करानी होती है उसको लॉजिक से पूरा प्रूव कराया जाता है तो उसको मानेगा अनुभव करेगा, ये तो मानेगा नहीं अनुभव नहीं करेगा, इसलिए इसमें लॉजिक की तर्क की मुख्यता है, तर्क शास्त्र पूरा इसी का भेद है, मतलब इसमें भी दो पार्ट है, एक तो प्योर तर्क ही मैंने पूरा न्याय शास्त्र, न्याय के जितने ग्रंथ है वो एक तो पार्ट है, और दूसरा न्याय से सिद्ध, न्याय न्याय के लिए नहीं है, न्याय से सिद्ध तो वस्तु व्यवस्था करनी है, न्याय से भेद विज्ञान की सिद्धि करनी है, तो वस्तु व्यवस्था की सिद्धि और भेद विज्ञान की सिद्धि, इन दोनों भेद विज्ञान और वस्तु व्यवस्था इन दो सब्जेक्ट के लिए भी अलग ग्रंथ है, जैसे समय सार भेद विज्ञान पर, प्रवचन सार भेद विज्ञान पर, नियम सार अपने निज आत्मा में लीनता दो पूरा भेद विज्ञान, ये पूरा अध्यात्म है बिल्कुल प्योर अध्यात्म, समय सार प्रवचन सार नियम सार प्योर अध्यात्म, मैंने वो जैन दर्शन का अध्यात्म यदि आपको मिलेगा तो इन तीन ग्रंथ में, जैन दर्शन भी कम अध्यात्मवादी है, जबरदस्त अध्यात्म दर्शन है, तो वो इनका ग्रंथ पढ़ेगा तो अध्यात्म का वर्णन होगा, और फिर इनके ऊपर आधारित और अनेक ग्रंथ लिखे रचे गए, चारों अध्यायों भगवान जिनेन्द्र की वाणी है, यदि वो एक भी अनियोग इसके लिए नहीं होता उसके लिए होता तो पहले बताते भैया, अब मैं बोल रहा हूँ अब सब ग्रह श्रावक बाहर, गंधर्वदेव सब बाहर कर दो, ऐसा क्योंकि एक एक दूसरे के, एक दूसरे के सब पूरक है, सब एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना तीसरा नहीं, ये चार, ये जैसे चौकी है ना, ये चौकी के चार पाए हैं, ये चारों पाए एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना चारों नहीं रहेंगे, ऐसे चारों नियोग एक दूसरे के पूरक है, ये तो है ही नहीं कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, जिनवाणी की कोई पंक्ति भी ऐसी नहीं है जो कि नहीं पढ़ना, नहीं, नहीं आती ना, भी नहीं पढ़ सकते,
बड़े बड़े शास्त्र वो समझ में नहीं आए, अलग चीज है। लेकिन ये पढ़ने तो निषेध, पढ़ने का निषेध है, अलग चीज है। समझ में नहीं आ रहा, अलग चीज है। समझ में नहीं आए तो हम समझने के योग्य बने, लेकिन पढ़ने का निषेध का तो मतलब ये कि हमारे नहीं, हम पढ़ना ही नहीं, तो पढ़ने नहीं, ये कौन सी बात हुई? ये तो बिल्कुल एकदम अनपढ़ लोगों जैसी बात हुई है। तब अरे आचार्य देव यदि ऐसा उनको खतरा होता तो वो हर जगह जगह आगे पीछे बीच में सब जगह लिखते, डोंट रीड, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। उनको खुद को लिखने वालों को नहीं लग रहा, लिखने वालों ने पूरे ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, हमने अपनी बुद्धि से कहा से निकाल लिया कि ये नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। ये सब बचाव के तरीके हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? क्या ओपन पॉलिसी होती है, आने आने दो, क्या दिक्कत है? क्या इसलिए कोई दिक्कत नहीं? इससे ये इन अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ के तो भूतकाल में अनेक अजैन लोग जैन बने। गणेश प्रसाद जी वर्णित थे ना, ब्राह्मण थे वो, समय साल की पूरी टीका कंठस्थ थी, कंठस्थ क्या बुंदेलखंड में हुए, वो छोटे से गांव में बड़ावरा में, और वो न्याय के बहुत अच्छे विद्वान थे, वो प्रकांड विद्वान दरबारी लाल जी को किया। तो इन लोगों को तो यूं रटी हुई थी ये चीजें, यूं टीका लिखी उन्होंने। यदि नहीं पढ़ना होता तो पिछले 500 सालों में सारी टीकाएं तो पंडितों की मिल रही है। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक ग्रंथ की रचना करी, पंडित राजमल जी पांडे ने समय सार कलश पर टीका लिखी, गणेश प्रसाद जी वर्णी जो अभी हुए थोड़े समय पहले उन्होंने समय सार पर टीका लिखी, मनोहर लाल जी वर्णी के समय सार पर पूरे प्रवचन की सब दशांगी टीका है। और सुनो देखो, और उसके अलावा और दरबारी लाल जी कोठिया समय सार के अच्छे प्रकांड विद्वान, उसकी उन्होंने अनेक उसके उसके ऊपर लेख वगैरह लिखे, मतलब जो भी उनका उसका अभ्यास था। और भी बहुत सारे विद्वान, यही क्या ये जितने भी थे फूलचंद जी वगैरह जो पीछे की पूरी पीढ़ी थी वो, उसके पहले गोपाल दास जी बलिया, उसके पहले टोडरमल जी, मैंने पिछले 500 साल का इतिहास उठा लो, एक पंडित पंडित नहीं कराया, एक विद्वान विद्वान नहीं, कोई छुल्लक छुल्लक नहीं, कोई व्रति व्रति नहीं, यदि उसने समय सार प्रवचन सार नहीं पढ़े होते। क्योंकि मूल उद्देश्य तो वही है, जिनागम का मूल उद्देश्य तो वहां है, क्या अध्यात्म नहीं है जहां वहां बचा ही क्या फिर? वो तो बिल्कुल वो नीरस है। अध्यात्म तो उस जैन दर्शन को सबसे सरस बनाता है, क्योंकि देह और आत्मा के भेद विज्ञान की जब चर्चा नहीं है तो वो धर्म किस लिए करे? और उसमें सब इसी बात पे फोकस है पूरा कि जीव अपने देह को अपने आत्मा को देह से भिन्न अनुभव करे। अपन छेड़ावा जैसे कि ग्रंथ में पढ़ते हैं, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, देह और आत्मा को जो एक मानता बहिरात्मा है, तत्व के बारे मूड है, इसमें तो उस पर फोकस ही कराएंगे ना। ये तो करना है अपने को, जो काम करना है वो ही निषेध हो जाएगा तो फिर तो खत्म। मोक्ष मार्ग का मूल उद्देश्य तो वहां है, इसमें लिखा है, समझ में आया ना? श्रीमद राजचंद, श्रीमद राजचंद जो है ये समय साल आदि पढ़ के हुए, ये सब धर्म मतलब जैन धर्म के जितने रसिया हुए, जैन धर्म के अध्यात्म से प्रभावित हुए, जैन धर्म की चरणानियोग से नहीं हुए। चरणानियोग तो थोड़ा बहुत सब जगह मिल जाएगा, उनका अपना अलग रहेगा, अपने अलग रहेगा। मतलब क्रियाकांड की मुख्यता देखो तो क्रियाकांड तो हर धर्म वाले अपने अपने कर रहे हैं, आप उससे किसी को लगाना चाहो जैन धर्म में तो बहुत मुश्किल है। जैन धर्म का असली जो प्राण है वो अध्यात्म, क्या आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, सुखी होने का असली उपाय क्या है, सुख वास्तविक कायम है, इंद्रिय ज्ञान अतिंद्रिय ज्ञान ये टॉपिक है जैन दर्शन के। इनको निकाल देंगे अपन तो फिर बचेगा ही क्या? शून्य, जैसे आत्मा के बिना जीव शून्य है, ऐसा है ये। तो चारों ही, वो तो आवश्यकता तो देखो चारों की है, किसी एक की मैं कहता हूँ कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ना पढ़ा जाए निकले, चारों ही अनियोग इसके होंगे तो बैलेंस हो, चारों अनियोग नहीं होंगे तो वो इम्बैलेंस गाड़ी चलेगी, कभी इस पटरी पे एक्स्ट्रा आ जाएगी, कभी इस पे एक्स्ट्रा, कभी किसका पक्ष होएगा, कभी किसका पक्ष होगा, बैलेंस बहुत बड़ी बात। जैन दर्शन माने बैलेंस का काम, जहाँ एक खिंचातानी हुई बस विरोध हुआ, क्या चारों अनियोग निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान सबका बैलेंस बना के चले। वो बैलेंस कैसे होगा? वो बराबर चारों अनियोग पड़ेगा तो बैलेंस होगा। देखो क्या होता है, आपने कोई एक चीज पढ़ ली, आपने तीन पढ़ी नहीं, आपको मालूम ही नहीं, अभी कोई बोलेगा भी तो आपको क्या लगता है कि ये आदमी या तो गलत बोल रहा है या क्या
या अपनी मर्जी से बोल रहा, दो ही बात तो यही है ना, क्योंकि हमको उस विषय का अभ्यास है। तो 99% प्रॉब्लम तो इसकी है, अनभिज्ञता, अज्ञान सबसे बड़ा कारण है। और अपन हम चारों नियम पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि अपने आप व्यवस्थित रहेगी, एक तरफ झुकेगी नहीं, एक ही पढ़ेंगे तो एक तरफ झुकेगी, चार पढ़ेंगे तो अपने आप बुद्धि व्यवस्थित रहेगी। इसके लिए स्वाध्याय चाहिए। क्या होता है स्वाध्याय जो है ना, वो अपनी बहुत अपने को कभी एकांगी नहीं होने देता, एकांती नहीं होने देता, वो बराबर अपने को लाइन पर लटका के रखता है। क्योंकि भगवान जिनेंद्र की वाणी स्वयं पढ़े, मुनिराज की मतलब लिखी हुई बातें पढ़े, जिनवाणी पढ़े, वो व्यक्ति संसार में कभी भटक नहीं सकता। यदि डोरी सुई यदि डोरी में पिड़ी हुई है तो वो व्यक्ति कहीं भटक नहीं सकता। ये इसमें दिया उदाहरण, ऐसे यदि जिन सूत्र जिसके हाथ में है वो व्यक्ति नहीं भटक सकता। क्या इतनी महिमा गाई जिन सूत्र की, क्योंकि जिन सूत्र ही ऐसा है जो अपने को जो है बराबर व्यवस्थित बैलेंस बनाया है चारों नियम का हर चीज का। तो अपन तो भी पढ़ रहे थे प्रथमा नियोग के, चरणा नियोग के, करणा नियोग के, कौन से शास्त्र करणा नियोग के कौन से लिखे, जीव कांड कर्म कांड त्रिलोक शास्त्र, ये हो गया मेन, तो आपका यह काम हो जाएगा। इसमें और ज्यादा पढ़ना हो आपको तो फिर आप पढ़ना षटखंडागम, धवल, जय धवल, महाधवल, तिलोय पंडति, लब्धी सार, छपड़ा सार, पंच संग्रह, इसे ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक केवल धवला षटखंडागम जय धवला महाधवला, ये थोड़े बहुत बड़ा कोर्स है, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवला, ये इतना बड़ा कोर्स है कि इसमें सालों लग सकते हैं। बाकी तिलोय पंडति भी खैर बड़ा है, लब्धी सार छपड़ा सार भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा है, सभी बड़े ही हैं वैसे तो उसके अंदर, वो काम का टफ है, सबसे टफ काम होता है। इसके बाद में द्रव्या नियोग के जो शास्त्र है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउल, रुद्र संग्रह, समय सार, प्रवचन सार, रुद्र संग्रह, ये तीनों प्योर अध्यात्म के, समय सार, प्रवचन सार, ये नियम सार और अष्टपाउल में थोड़ा चरणा नियोग की शैली से वर्णन है, माने इसको मैं प्योर अध्यात्म नहीं कहता, इसमें अध्यात्म और चरणानियोग दोनों का वर्णन, किसमें नियम सार और अष्टपाउल, नियम सार चरणानियोग प्लस द्रव्यानियोग, यहाँ तक कि प्रवचन सार में भी अंतिम जो अध्याय है उसमें चरणानियोग, बाकी शुरू के दो अध्याय में उसमें द्रव्यानियोग, समय सार प्योर द्रव्यानियोग, रुद्र संग्रह प्योर द्रव्यानियोग, प्योर मतलब लगभग प्योर द्रव्यानियोग। कुंदाचार्य देव के पांच फाउंडेशन हो रहा कुछ है द्रव्यानियोग के, कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार है, प्रवचन सार है, पंचास्तिका, ये तीनों द्रव्यानियोग के शास्त्र, नियम सार अष्टपाउल द्रव्यानियोग प्लस चरणानियोग के पांच ग्रंथ हो रचे, पंच परमा का कहे जाते ना जो पांच, कौन कौन से, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, ये जो तीन ग्रंथ है ये तीनों द्रव्यानियोग के ग्रंथ है। और नियम सार और अष्टपाउल द्रव्यानियोग और चरणानियोग मिश्रित है, वृद्र संग्रह द्रव्यानियोग चरणानियोग मिश्रित है, फिर भी द्रव्यानियोग चरणानियोग करणानियोग तीनों ही है, लेकिन फिर भी वो मुख्य रूप से द्रव्यानियोग का कहा जाता है। और भी देखो द्रव्यानियोग के और भी लिख लो, परमात्म प्रकाश, योग सार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, परमात्म प्रकाश, योग सार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, पंचाध्यायी, और चित विलास, ये सब उसके ग्रंथ हो गए चारों नियम के शास्त्र। अब देखो अपन थोड़ा सा इसको अपन पढ़े ना, और टाइम हो गया अपन लगभग 5-10 मिनट पढ़ लेते, अपना आज कुछ पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, अपन ने इधर उधर की बातें करी आज, ग्रंथों के नाम लिख लिए होंगे ना क्या है, तो तीन अनियोग की परिभाषा और तीनों चारों अनियोग की परिभाषा और चारों अनियोग के शास्त्र, ये अपने को ख्याल में होना चाहिए। अब देखो इसमें अपने प्रथमा नियोग का प्रयोजन तो पढ़ लिया था,
अब थोड़ा सा कर्णा नियोग का प्रयोजन पढ़ते हैं। निकालो आप पेज नंबर 269 क्या है। तथा कर्णा नियोग में जीवों के व कर्मों के विशेष, पेज नंबर मिला 269 नीचे कर्णा नियोग का प्रयोजन, जहां ये चैप्टर चालू हो रहा है वहां कर्णा नियोग का प्रयोजन। तथा कर्णा नियोग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। ये भी एक तरीका है जीवों को धर्म में, जीवों कर्म के बताए भेद, इतने इतने प्रकार के कर्म है, इन परिणामों से कर्म बनते हैं, परिणाम संभालो, जीवों के कितने प्रकार है, क्या तीन लोक के ठिकाने नरक स्वर्ग कहाँ है, पूरा अच्छा बताते ना वो प्रोजेक्ट पूरा तीन लोक का, उससे भी लोगों को थोड़ा नरक वरक देख के थोड़ा भय लगता है उस समय तक कम से कम। तो ये सब जीवों को धर्म में लगाने के उपाय, मतलब कभी ऐसा नहीं कि जीव धर्म में केवल उसको चढ़ना नियोग के निरूपण करेंगे तो लगेगा, चारों ही अनियोग जीवों को धर्म में लगाने के माध्यम है। सबके अलग अलग तरह की शैली अलग अलग तरह की है और अलग अलग तरह से निरूपण है और अलग अलग तरह के जीव भी अलग अलग, किसी को आपको ये बताना पड़े ऐसा करो ये करो ये करो, तो कोई को अपन सीधे थ्योरी बताते कि देखो इन भावों से ऐसे कर्म बनते हैं, ऐसा करो ये कहा ही नहीं, इन भावों से ऐसा होता है, ये नरक है ये स्वर्ग है, जीव चार गति चार गतियाँ हैं, इन भाव से ये गति मिलती है, इन भाव से गति मिलती है। कर्णा नियोग ये नहीं बोलता, कर्णा नियोग की जो शैली है ऐसा है, प्रथमा नियोग की शैली है ऐसा था, चरणा नियोग की ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, यानी जो उपदेश की भाषा है ना वो चरणा नियोग की, करणा नियोग उपदेश नहीं है, करणा नियोग तो ऐसा है भैया देखो आठ कलम है चार गतियां हैं 14 गुणस्थान है क्या, और इसमें जिसका उपयोग लग जाए ना फिर वो अपने आप उसके सब सब चीज धर्म के सारे आगे पल जाए उससे, क्यों कैसे पल जाए देखो, उसका उपयोग उसमें लग जाए यदि तो उस उपयोग लगने पर स्वयं अन्य विषयों का राग ही समाप्त हो जाता, खत्म करना नहीं पड़ता, पंचेंद्रिय विषयों का अनुराग मिट जाता है, कषायों की प्रवृत्ति अपने आप मन होने लगती है, मन एकाग्र होने लगता है, पांच पापों की प्रवृत्ति मिटने लगती है, हे उपाधेय का पहचान होती है सही गलत की, और क्या ग्रहण करना क्या छोड़ना इसकी पहचान होती है, जो जो ज्ञान बढ़ता है तो जो आनंद बढ़ता है, और ज्ञान जो है आत्मा के सन्मुख होता है और साथी से पुण्यबंद होता है, ये सब फायदे हैं उसके क्या। तो वो कहते हैं कि कई वो जो है कि भाई कोई कुछ चीज करेंगे तो धर्म लगेगा, तो कह रहे हैं ये जिसने कर लिया उसने पूरे धर्म कर ही लिया उसने, क्योंकि व्रत आदि करके भी करना क्या था उपयोग तत्व में लगाना था ना, तो उसने सीधे तत्व में उपयोग लगाया, तत्व अभ्यास में उपयोग लगाया, उसके सब काम हो गए, जितने काल उसका उपयोग तत्व में रहेगा उतने काल कुछ नहीं रहेगा, और इनमें इतना उपयोग सूक्ष्म करना पड़ता है कि आप अपना दिमाग अपना मुंह भी इधर का इधर नहीं हिला सकते, समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे दिन दिन भर में आप 6-6 घंटे ही बैठ जाओगे आपका टाइम पता नहीं चलता, ये बस ये है कि पढ़ने की रुचि होनी चाहिए, क्योंकि आप 14 गुणस्थान पढ़ो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मजा आ जाए उसको पढ़ने में, लेकिन करेंगे उसको 14 गुणस्थानों को 14 मारणाओं को, मेरा तो सब्जेक्ट ही कर्णानियों में ही मेरे स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि गणित का सब्जेक्ट है ना, कर्णानियों टफ है लेकिन वो टफ होने पर उसमें सब्जेक्ट बहुत मिलता है ना, उसमें गणित वालों के लिए कोई टफ नहीं, हाँ गणित है इसलिए अपने को टफ नहीं लगता, और मैं मतलब सबसे बड़ी बात क्या है उसमें सब्जेक्ट अधिक होने से उसमें मन अच्छा लगता, बाकी अनियोग में अपन को मालूम है क्या है, चरणा नियोग एक बार पढ़ लिया सरल है इतना, उसमें इतना उपयोग भी एकाग्र नहीं होता, जब कठिन होता है तो उपयोग अपने आप एकाग्र होता है, उपयोग एकाग्र किए बिना होती नहीं पढ़ाई, उसमें उपयोग अधिक एकाग्र होता है, ये तो कठिन चीज़ों को पसंद करता हो, सरल तो क्या है कि वो कोई चल मतलब उपयोग नहीं रखता ना उतना एकाग्रता से, और फिर अपने को मालूम है जैसे रत्नचंद शाह पढ़ लिया गाथा है मेरे को याद है सब कुछ पता है क्या,
अब एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच दस बार पढ़ लिया, अब मेरे को क्या पता है कि इस पेज पे क्या आएगा, 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 तो अब वो आएगा क्या, तो वो पहले ही पता होता तो उसमें तो उपयोग ही लगता है, वो कोई नई चीज पढ़ने को मिलती है तो उसमें उपयोग नहीं लगता। क्या ऐसी ऐसी कोई कठिन नहीं, मैंने तो खुद ने काम किया, धौला की आठवीं पुस्तक ग्यारहवीं पुस्तक मैंने उसकी सब अशुद्धियाँ वगैरह दूर करी, जब मैंने पढ़ा अच्छे से तो उसमें इतना कठिन नहीं लगा मुझे। तो लोगों के कठिन लगने का कारण ये है कि लोग एक से बैठ के नहीं पढ़ते, एक सीटिंग से बैठ के पढ़ा तो सरल हो जाए। खैर जो भी है, परंतु ये इनसे जीवों को धर्म में लगा है, किससे, कैसे, जीवों के कर्मों के विशेष। तो एक तो जीव प्राण का वर्णन है, बहुत रोचक है, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वर्णन बहुत रोचक है। ये भले ही कठिन लगता हो बाहर से, लेकिन ये बाहर से इसमें ऐसा लगता है जैसे ये नारियल हो लेकिन अंदर बहुत मिठाई। क्या कुछ चीज ऐसी होती है जो बोर होती है और कुछ चीज नारियल होती है, नारियल ज्यादा अच्छा है। हिंदुस्तान के लोगों में और अमेरिका के लोगों में नारियल और बोर का अंतर, हिंदुस्तान के लोग बाहर से कड़क रहेंगे ऐसे हर किसी से मित्रता नहीं करेंगे, एक बार उनकी मित्रता हो जाए फिर अंदर को जीत कर दो आप, और वो बाहर से बहुत मिठबुल होंगे एकदम ऐसा मिश्री लगे, अंदर गुडली नहीं थी लेकिन उसके क्या। तो ये अनियोग दिखता बाहर से ऐसे ही कड़क है, नहीं इतना कड़क है। जीव का कर्म का जीवों के कर्मों के विशेष, विशेष का मतलब क्या है, भेद प्रभेद। तो जीवों के भेद कर्मों के भेद तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। अभी अपनी हो जाएगी यदि क्लास ये सब, तो फिर मैं बता दूंगा इसमें, मतलब एक बार आपका बेसिक हो जाएगा ना, फिर उसके बाद अपन जीवकांड कर्मकांड भी पढ़ेंगे तो ऐसा कठिन नहीं। और जीवकांड कर्मकांड के तो बहुत सारे चार्ट वगैरह बनाए हैं, तो एक बुक लिखी है उसके ऊपर जीवकांड को, अभी छपे ही नहीं है, तो वो बुक से तो और सरल हो जाएगा थोड़ा, ऐसी उम्मीद है। तीनों चीजें हैं इसमें, जीवकांड कर्मकांड त्रिलोक आदि। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान मारणा आदि विशेष भेद प्रभेद तथा कर्मों के कारण, कर्म क्यों बनते हैं, कर्मों की क्या क्या अवस्था है, कर्मों के फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा तीन लोक में नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में बनते हैं तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए, यदि उपयोग में रम गया आपका तो पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयमेव ही तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, स्वयमेव तत्काल हो गया और कुछ करने ही नहीं कि अब धर्म करने के लिए क्या करना, अगर इसका उपयोग रम गया तो स्वयमेव तत्काल धर्म उत्पन्न होता, मैंने जो कुछ हम कराना चाहते थे वो सब सिद्धि अपने आप हो गई। जैसे अपन बच्चे से कह रहे ये छोड़ वो छोड़, तू सब छोड़, पता चला उसका पढ़ने मन लग गया तो कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तू ये कर ये बंद कर ये बंद कर, खुद कहीं पढ़ने मन लग ऐसा है। ठीक है, इस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है, उससे क्या होता है तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र, जब उपयोग रम जाता है तो तत्व ज्ञान कठिन नहीं लगता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है अन्य अन्यत्र नहीं है, इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता। एक मिनट छोड़ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा सूक्ष्म कथन जिनमत में ही है, माने इतनी सूक्ष्मता से निरूपण जिनमत में है, ऐसा जब जानता है तो जिनमत की और महिमा आती है और जैन धर्म का और पक्का श्रद्धा। बाकी चर्चा